अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ कि आप किस तरह अपने किसी भी फ्रेंड्स जो आपसे नाराज़ हो गया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप किस तरह अपने आप को अनब्लॉक, आपने उसे मैसेज करना है जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, और आप किस तरह उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आपने मैसेज किया है, अगर डबल टिक होते हैं तो समझे कि आप अनब्लॉक हैं, लेकिन अगर सिंगल टिक होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आपका मैसेज देखा है या नहीं। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी सेटिंग में जाना है, वहाँ से अकाउंट पर क्लिक करना है, प्राइवेसी पर जाके आपने लास्ट सीन पर एवरीवन होम पर सिलेक्ट होगा, आपने नोबडी पर सिलेक्ट करना है। फिर आपने प्रोफाइल फ़ोटो पर जाना है, वहाँ पर भी आपने नोबडी कर देना है, अबाउट में भी, और स्टेटस में माई कॉन्टैक्ट ही रहना है। इसमें अगर आप करेंगे ओनली शेयर करेंगे, लेकिन ये नहीं करना, आपने सिर्फ से माई कॉन्टैक्ट ही रखना है कि जो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वही आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देख सकें। इसके बाद आपने वापस आना है और दोबारा मैसेज करके देखना है कि अब ठीक हुआ है मैसेज, डबल टिक हुए हैं नहीं। फिर आपने हेलो का मैसेज करके देखना है। इसके बाद आपने दोबारा जाना है अपने सेटिंग में, सेटिंग में जाके आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने डिलीट माय कॉन्टैक्ट पर, जिस नंबर पे आपने व्हाट्सएप बनाई है वो नंबर आपने यहाँ पर शो करना है, जिस नंबर पे आपकी ये व्हाट्सएप बनी हुई है उस वो नंबर आपने यहाँ पर टाइप करना है, और अपना जो व्हाट्सएप है वो डिलीट करना है। डिलीट माई अकाउंट पे आप जब करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे रीज़न पूछेंगे कि आप अपना अकाउंट क्यों डिलीट करें, तो आपने लिखना है आई एम चेंजिंग माई फ़ोन नंबर। इसके बाद वो पूछेंगे कि लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप इधर लिखेंगे बाय बाय डिलीट माई कॉन्टैक्ट। इसके बाद दो ऑप्शन आएंगे चेंज और डिलीट के, आपने डिलीट माई कॉन्टैक्ट पे करना है। इसके बाद आपकी जो व्हाट्सएप है डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने दोबारा अपना व्हाट्सएप ऐप ओपन करना है, और यहाँ पर अपना उसी नंबर पर व्हाट्सएप बनानी है जो पहले आपके नंबर पर व्हाट्सएप बनी हुई थी, जिस पे से आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया था। जब आप यहाँ पर नंबर डायल करेंगे, और जब यहाँ पर नंबर डायल करेंगे जिस अकाउंट पे आप व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा उन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन कोड उस नंबर पे आएगा जिस नंबर पे आप ये व्हाट्सएप बना रहे हैं। जब तक कोड नहीं आता हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप हमारे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि हमने किस तरह से उसको अनब्लॉक किया था। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। इसके बाद जब आप यहाँ पर डालेंगे, अभी तक देखें अभी तक नंबर शो नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यहाँ पर अब मैं डायल करूँगी कि कौन सा क्या कोड है। जब यहाँ पर कोड डायल कर दूँगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। ये शायद थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम है, इसी वजह से वीडियो कम स्पीड में चल रही है। इसके बाद आप अपनी फ्रेंड का नंबर डायल करेंगे और सर्च करेंगे जिसने आपको ब्लॉक किया था, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ टिग लवर, और मैंने इसको मैसेज किया है। अब यहाँ पर टिक हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑनलाइन होगी तो यहाँ पर डबल टिक हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।